हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डीएक्स यूनिट के बारे में जानने वाले हैं कि डीएक्स यूनिट कैसे, इसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है। आउटडोर और इनडोर दोनों के बारे में आज आप लोग को बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे सामने एक डीएक्स यूनिट है। इसका हम आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग और मैकेनिकल चीज़ और इनडोर यूनिट का दोनों चीज़ का एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे मेन हमारा यहाँ पे आइसोलेटर है, जो यहाँ से आइसोलेटर यहाँ से निकलने के बाद जो है यहाँ पे आया थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई यहाँ आने के बाद जो है यहाँ से यहाँ एक्चुअल में यहाँ पे दो कंप्रेसर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सर्किट वन है, एक सर्किट टू है। ये दो कंप्रेसर हमारा यहाँ पे है दो सर्किट का। तो यहाँ पे दो ब्रेकर लगाया है इसके लिए, यहाँ से थ्री फेज का सप्लाई लेकर के एक अपना फर्स्ट वाला सर्किट वन में डाला, फिर सर्किट टू में डाला। ये तीन तीन वायर आप देख रहे हैं थ्री फेज का, ये दोनों सर्किट में डाला, फिर यहाँ से निकाल करके वायर जो है थ्री फेज का सप्लाई यहाँ से आउट किया और एक कॉन्ट्रेक्टर वन में डाला, कॉन्ट्रेक्टर टू में डाला। ये दो कंप्रेसर के लिए दो कॉन्ट्रेक्टर लगाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा कंडेंसर फैन जो है, कंडेंसर फैन के लिए लगाया गया है ये दो कॉन्ट्रेक्टर। और ये जो है इधर ट्रांसफार्मर है, और ये भी रिले है जो हमारा, ये सिस्टम जो है टोटल बीएमएस से कंट्रोल है। तो पूरा जितना भी चीज़ है हम लोग बीएमएस से इसको वाच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत ही ओल्ड सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर जो है बीएमएस का फंक्शन किया गया है। और उसके बाद इधर में इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा चीज़ नहीं है, और आपका इधर मैकेनिकल पार्ट में, इधर में हमारा दो इसका कंप्रेसर का पीसीबी बोर्ड दिया हुआ है। और जो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमारा ट्रिप करता है यूनिट, तो ट्रिप करने के बाद जो है इधर में इसमें लाइट ब्लिंकिंग करता है, जैसे कि इसमें हर कलर कोड का अलग अलग इसमें ये है, कलर कोड का जो है इसमें ब्लिंकिंग करेगा, स्टेटस दिखाएगा ट्रिप हो गया या इसका कुछ कोड यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा हम ड्रॉइंग में दिखाना चाहते हैं, ड्रॉइंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ना अलार्म का DS1 पावर रिलेड अलार्म में ये वन का, ये क्या इसका आएगा डिटेल्स। ठीक है, इस तरह से DS3 में अगर ट्रिप करता है तो क्या दिखाएगा, नो कूलिंग फॉर दिखा रहा है यहाँ पे, नो कॉल फॉर कूलिंग का। ठीक है, इस तरह से LPS का, लो प्रेशर का, सब कुछ का यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से फाइंड आउट करना। लेकिन अभी जो भी सिस्टम आ रहा है वो सब सिस्टम जो है हमारा अभी डिस्प्ले आ रहा है, तो डिस्प्ले में शो हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे जो है ओल्ड सिस्टम है इसके लिए करके इसमें नहीं दिया गया है, इसमें लाइट ब्लिंकिंग से आपको देखना होगा। ये दो दिया हुआ है पीसीबी। अभी देखिए ये कंप्रेसर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो कंप्रेसर है, दो सर्किट है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ये हमारा। ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में इधर में देखिए हमारा हाई प्रेशर स्विच दिया हुआ है, फिर लो प्रेशर का स्विच दिया हुआ है अंदर में। और वो जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन जो देख रहे हैं, वो बड़ा जो बनाया हुआ है वो जो है मफलर है, वो साउंड को रिड्यूस करता है, जैसे डिस्चार्ज लाइन में वो लगाया जाता है। और बाकी सामने में आप देख रहे हैं उधर ऑयल प्रेशर स्विच है, और इधर में आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है हीटर दिया हुआ है ये ऑयल को हीट करने के लिए। यहाँ पर साइड ग्लास है, आप यहाँ पर ऑयल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको हम दिखाते हैं इसका कंडेंसर दिखाते हैं। तो आप इधर आएंगे तो ये देखिए कंडेंसर फैन इधर में दिया गया है, और ये पूरा एरिया जो है कंडेंसर का है। ठीक है, ये देखिए पूरा कंडेंसर जो है इनसाइड से ऐसे दिया हुआ है, इधर से जैसे दो लाइन निकलता है, दो कंप्रेसर है, तो एक हमारा लिक्विड लाइन रहेगा, ये जो नीचे वाला लाइन देख रहे हैं ये लिक्विड लाइन रहेगा, और ये हमारा सक्शन लाइन रहेगा। तो गैस वगैरह चार्ज करना है तो हम लोग यहाँ से गैस जो है इजीली चार्ज कर सकते हैं। ये लाइन यहाँ से रिमूव किया, दो कंप्रेसर है तो दोनों का, एक सक्शन लिक्विड और सक्शन लिक्विड दोनों का निकला। अभी हम आपको इंडोर यूनिट दिखाने चलते हैं, इंडोर यूनिट में बीएमएस कंट्रोल भी आपको दिखाएंगे और क्या क्या फंक्शन है, कैसे पूरा अच्छे से आप लोग को हम दिखाएंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। और देखिए आप आगे इसका लाइन से आगे बढ़ते हैं, ये अपना आउटडोर यूनिट से, तो ये जो जा रहा है नीचे हमारा इंडोर यूनिट की तरफ, तो यहाँ पे बीच में आपको ये ड्रायर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ड्रायर है और इसके पीछे एक बल्ब लगाया गया है। अगर ड्रायर हमको चेंज करना है तो हम जो है ये बल्ब को क्लोज कर सकते हैं और ये बल्ब को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब को भी हम लोग क्लोज करके और उसके बाद हम ड्रायर को चेंज कर सकते हैं। सोलेनोइड कॉइल यहाँ पे लगाया गया है,
देख रहे हैं सोलनाइड कोयल है, दो कंप्रेसर है, तो दोनों कंप्रेसर का जो है अपना ये ड्रायर लगाया गया है, और ये साइड ग्लास है, इसमें हमको मतलब गैस रेफ्रिजरेंट जो है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस पोजीशन में है, ये हम लोग इसमें देख सकते हैं, वाच कर सकते हैं साइड ग्लास में। हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग इंडोर यूनिट के पास आ गए हैं, इंडोर का ये जो एचयू है, और इसके पहले आप लोग आउटडोर यूनिट को आपको दिखाए हैं, दो कंप्रेसर था, तो उसका जो लिक्विड और सक्शन लाइन जो आ रहा था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि ये जो है लिक्विड लाइन आ रहा है और सक्शन लाइन यहाँ से वापिस कंप्रेसर में ऊपर में जा रहा है, तो डायरेक्ट डीएक्स का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंशन, मतलब कि डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट को एचयू के अंदर फ्लो कराया जाता है, जो कि हमारा जो चिलर रहता है, तो चिलर चिल्ड वाटर को फ्लो कराया जाता है, लेकिन ये डीएक्स यूनिट है इसलिए डायरेक्ट हम लोग रेफ्रिजरेंट को कूलिंग कॉइल के अंदर फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीएक्स भी लगाया हुआ है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन डिवाइस, और इसके अभी हम आप लोगों को खोल के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सब बीएमएस से टोटल कंट्रोल है, ये प्री फिल्टर है, ये बैक फिल्टर का ये सेंसर लगा हुआ है स्विच, जो ये अपना डिस्प्ले में शो करेगा बीएमएस का सिस्टम में ये दिखाता है, और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेश एयर प्लस रिटर्न एयर जो है ना, ये जो है दोनों फ्रेश एयर भी इसमें ऐड हो रहा है, जो रूम से जो रिटर्न एयर आ रहा है हमारा, वो रिटर्न एयर भी यहाँ पर इसका ऐड हो रहा है। ये प्री फिल्टर फर्स्ट में लगाया हुआ है, और इसके अंदर मतलब एक्स्ट्रा क्या कहते हैं एयर को साफ करने के लिए जो है बैक फिल्टर भी लगाया जाता है, तो ये यहाँ पर प्री फिल्टर है और उसके अंदर जो है बैक फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं फ्रेश एयर जो हमारा यहाँ पे है, फ्रेश एयर जो ये देख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये फ्रेश एयर जो है इसके साथ एक्चुएटर यहाँ भी लगाया हुआ है, और बीएमएस में जो है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है जितना हमको फ्रेश एयर चाहिए उतना इसके अंदर जो है ऐड किया जाता है। रिटर्न एयर इधर से आ रहा है हमारा, और उसके बाद जो है यहाँ पे मिक्सिंग बॉक्स जो है, इस मिक्सिंग बॉक्स में हमारा जो है फ्रेश एयर एंड रिटर्न एयर दोनों ऐड होता है, फिर बाद में वो कूलिंग कॉइल से होते हुए जो है आगे जाता है। और यहाँ पर इसका आगे में देखिए और फिल्टर सेक्शन आपने देख लिया, अभी यहाँ पर जो है ये ब्लोअर सेक्शन है, ब्लोअर सेक्शन में आपको इधर में देखने को मिलेगा हीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ये कूलिंग कॉइल के बाद हीटर जो है हमारा ह्यूमिडिटी वगैरह को जो है कंट्रोल करने के लिए, और बाकी ठंडी के दिनों में गर्मी अगर यूज करना है ज्यादा, रूम का टेम्परेचर डाउन है, तो ये हम लोग हीटर ऑन करते हैं। फिर इसके बाद मोटर है, ब्लोअर है इधर में, और ये सप्लाई एयर डक्ट जो है ये सीधा जो है ऊपर जा रहा है अपना फिटिंग एरिया में, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है एयर का वहां पे वो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं लगाया हुआ है ना सप्लाई एयर, ये जो है सप्लाई एयर डक्ट है, सप्लाई एयर डक्ट में वहां पे एक लगाया हुआ है डीपीए डक्ट सेंसर लगाया हुआ है, डक्ट प्रेशर सेंसर लगाया हुआ है, और एक जो है अपना सप्लाई एयर सेंसर शो कर रहा है। फिर आप इधर देखेंगे तो आप लोग को दिखेगा वहां पे जो है दो आप देख रहे हैं ना, एक रिलेटिव रिटर्न एयर टेम्परेचर एक है और ह्यूमिडिटी सेंसर का एक है लगाया हुआ है, और दूसरा जो हमारा जो है स्मोक डिटेक्टर का लगाया हुआ है। तो इस तरह से पूरा फंक्शन रहता है जो पूरा आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा, और कितना हमारा रेडिंग आ रहा है जा रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा।